हेलो, सलाम वालेकुम। हेलो, मखलू अभी सलाम वालेकुम। मैं भाभियों के सलाम का जवाब नहीं देता हूँ। मोहम्मद फारूक रजा मुंबई से बोल रहा हूँ। मोहम्मद फारूक रजा, वसीले पे धुलाई थी आपकी, याद है आपको? हाँ हाँ, जिसकी मैंने की थी ना। आगे बोलिए। ग्रुप से रिमूव की करते हो, मुझे ब्लॉक कर दिया है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, बिना मोहर्रम के मातम ना स्टार्ट कीजिए। जो काम हो काम बताइए। काम ये है कि भाई तुमने जो मुझे ब्लॉक करके रखा है वो अनब्लॉक करो और मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करो। भाई मैं गाली बाजों को और कॉपी पेस्ट मास्टर को मैं अपने ग्रुप में ऐड नहीं करता हूँ। वो तो वहाँ भी होती है गाली बात, वो तो मैंने देख ही लिया तुम्हारे। तो दुनिया जानती है मेरे भाई, बरेलियों के वहाँ तो गाली देना सुनना है। सुनना, मेरे पास बहुत सारे बाबुओं के इतना बड़ा गाली बात है तो उतना बड़ा भाई वो बरेलवी अल्लामा बनेगा। मेरे पास बहुत सारे स्क्रीन शॉट है। बहुत सारे क्या? एक स्क्रीन शॉट आपको दे दो जिसमें हमने गाली दी हो। कितने थे आपके ग्रुप में मैंने भेजा था? एक एक ऐसा दे दो जिसमें अप्पू खान ने गाली दी हो। मैं वहाँ भी की बात कर रहे हो कि पर्सनल की बात कर रहे हो तुम? आप मतलब किसकी गाली की बात कर रहे हैं? मेरी गाली की बात मैं कर रहे हैं या लोगों की? कर रहा हूँ तुम्हारे पूरे फिरके की बात कर रहा हूँ मैं। भाई देखिए, हमारे पहली चीज तो कोई फिरका नहीं है, हमारी जमात है अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस। नहीं, गलत है। सही क्या है गलत क्या है ये आपसे तो पूछेंगे नहीं भाई। हम भाई हमें सही और गलत देखने के लिए हमारे कुरान हदीस काफी है। सुनो, या तो आपने आपको अहले हदीस बोल लो या फिर अपने आपको अहले सुन्नत बोल लो। भाई दोनों एक ही है ना, हक और मुनाफिकत एक जगह जमीन नहीं हो सकती है। ईमान तो माज अल्लाह मतलब तो भाई तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्ला, उन्होंने अहले सुन्नत को अहले हदीस बोल के मतलब बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तब तो आपके हिसाब से आपके जो वली औलिया है मतलब गुनाहगार हो गए आपके नजदीक? माज अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। कितना बड़ा जाहिल इंसान है तेरे तो मेरे भाई। आपके शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिनको आप जिलानी पीर और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है ना कि अहले सुन्नत का नाम अहले हदीस है। तो आप उनको जाके भाई उनसे बहस करो ना, मुझसे क्यों कर रहे हो? अरे मैं बहस क्या कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि भाई तो आप भी कह रहे हैं कि हदीस और सुन्नत एक जगह नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग है भाई, क्या आपके पुरानी पीर को नहीं मालूम था? आपको पता चल गया भाई कोई हदीस है क्या? अहले हदीस अहले सुन्नत है। हाँ मेरे भाई है ना, कहाँ पे हदीस बताया भाई? जामे तिर्मिजी की हदीस है कि एक गिरोह हमेशा हक पे रहेगा, उसका ता कयामत तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इमाम तिर्मिजी रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि इस गिरोह से मुराद असाबुल हदीस हैं, अहले हदीस हैं। तो अहले हदीस तो मेरे भाई फिरकाए नाजिया है, ताइफा मंसूरा है, मोहम्मदी है, सलफी है, अहले हदीस है, अहले सुन्नत है। नहीं, झूठ फसाद बोल रहे हो यार। असल में जो आदमी झूठा होता है ना उसको सारी बातें झूठी लगती हैं। सुन लो, जब तिर्मिजी शरीफ में हदीस आ गई कि अहले हदीस फिरका हक से है तो तुम अपने आप को अहले हदीस जमात है। जमात फिरका तो ये बरेलवी देवबंदी कादियानी शिया ये सब फिरका है। मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको कहते हैं जो असल से हट जाए, ठीक है, जिसमें अकीदे में खिलाफ होता है। पर हमारा अकीदा तो साहबा वाला है, तो जमात है साहबा। सुन ले, जब तिर्मिजी शरीफ में लिखा है कि अहले हदीस हक से है तो अपने आप को तुम अहले सुन्नत क्यों बोलते हो? जब अहले हदीस हक से लिखा है वहाँ तो जहाँ पे मेरे भाई सुन्नत आएगा वहाँ पे हदीस ऑटोमेटिक आएगी। नहीं ऐसा कौन सी भाई, ये हदीस और सुन्नत दोनों एक ही है, दोनों की तारीफ भी एक ही है, दोनों का माना भी एक ही है, दोनों की सलाह भी एक ही है। कौन सी हदीस में लिखा है? क्या चीज के भाई अहले हदीस फिरका भी एक ही है, अहले सुन्नत फिरका भी एक ही है। अच्छा तो ये जो बरेलवी है ये कौन सी हदीस में है? जो भाई ये सुन्नी टनाटन पीटीएस है ये कौन सी हदीस में है? मैंने क्या सवाल किया? तो मतलब जो सोच तुम दूसरों पे मतलब भाई सीखते हो वो अपने ऊपर तो लागू करो पहले। तुम मेरे भाई अपने उसूल से पैदा लो, दूसरों को उसूल बताते हो। नहीं भाई, जब तू बोल रहा है कि भाई तिर्मिजी शरीफ की हदीस है, अहले हदीस जमात जो भी है, तू बोल रहा है जमात जो इमाम तिर्मिजी रहीमुल्लाह फरमाते हैं कि इस गिरोह से जो मुराद है वो अहले हदीस है। हम मुहद्दिसीन की बात आपकी नहीं है,
तो ये आपकी गलती है ना। अहले सुन्नत क्यों बोल रहे हो तू? या तो अहले हदीस बोल रहे हो आप भाई मुहद्दिसीन के भाई, वो मुनकर हो गुस्ताख को मुहद्दिसीन के, मुहद्दिसीन की बात को आप नहीं मानोगे? कौन कितना बड़ा गुस्ताख है वो पता है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। पता है तो तौबा क्यों नहीं कर देते मेरे भाई? अहले हदीस सच्चे है तो अपने आप को अहले सुन्नत क्यों बोलता है तू? अरे अहले सुन्नत का नाम ही अहले हदीस है ना, पुराने पीर ने बता दिया तो क्यों नहीं मान रहा अपने वली की बात? वो हदीस है कि रसूल ने फरमाया वो लोगो। अरे तो पुराने पीर से मांगो ना हदीस। हाँ क्या बोल रहे हो भाई? पुराने पीर से हदीस मांगो कि उन्होंने अहले सुन्नत को अहले क्यों कहा? अभी मैं किससे बात कर रहा हूँ भाई? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने अपनी किताब तालिबीन के सफा नंबर 252 पे लिखा है अहले सुन्नत वल जमात का नाम असहाबुल हदीस अहले हदीस है, और वो खुद अहले हदीस है। भाई तू एक बात बता, तेरा एक मौलवी है वो बोलता है कि वो हम्बली से, तो आपके जो पुराने पीर है वो कहते हैं कि अहले सुन्नत अहले हदीस है, तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, तेरा एक मौलवी बोलता है वो हम्बली से, एक बोलता है हम्बली उनकी नस्बत थी लेकिन थे अहले हदीस वो। नहीं फिर अल्लाह फिर भाई मेरे भाई, पहले के लोग अपने नाम के आगे हनफई मलकई चापई हम्बली लिखते थे, वो एक भाई वो नस्बत होती थी कि मतलब भाई वो नस्बत क्या होती है? अच्छा एक बात बता, चल ठीक है मैं समझ गया नस्बत थी, वो क्या थे ये बताओ, या तो हम्बली थे या तो चापई थे, दोनों में से होना चाहिए ना? उनकी जो नस्बत थी वो भाई वो हम्बली थी, और इमाम अहमद बिन जो हम्बल रहीमुल्ला थे वो खुद अहले हदीस थे, तो जो हम्बली है वो भी अहले हदीस होगा। अकल की कमी है तुम्हारे पास भाई? तो मतलब वो शाफई नहीं थे? कौन पागल बोला वो शाफई थे? अब तेरा ही मुल्ला बोलता है या यूट्यूब पे सब मौजूद है? तो एक तरफ हम लोग को कहते हो गैर मुकल्लिद गैर मुकल्लिद, और दूसरी तरफ हम लोग के आलिमों के कॉल को फालतू में हमारे ऊपर पेश करते हो। हम आलिमों की बिना दलील की बात को नहीं मानते मेरे भाई, कितनी बार कहे आप मुकल्लिद हो, आपके लिए आपका इमाम का कौन इज्जत है भाई? हम भाई हम ना मुकल्लिद सुन ले, जब वही जो बात तू कर रहा है कि जब तू किसी का मुकल्लिद नहीं है तो फिर क्या है ना, मेरे कुरान पे डायरेक्ट हदीस से क्यों गौसे आजम का नाम ले रहा है बीच में? अबे जब अरे तो भाई आप इतना बता दीजिए, आपके जो गौसे आजम थे जो उन्होंने कहा था कि अहले सुन्नत का नाम अहले हदीस है, क्या वो गलत कहा? इतना बता दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने गलत कहा है तो फिर आपको दलील हम देते हैं, और अगर उन्होंने सही कहा है तो दलील मांग के आप मेरे भाई अपने जो मतलब गौसे आजम है, गुलामे गौस है और वली अल्लाह है, आपकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या पता आप क्या बोल रहे हैं भाई? बोला भाई मेरे से पूछ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? अबे तुम गैर मुकल्लिद भाई से बात करेंगे तो ठीक है, नहीं अभी आपके हम जो मतलब घर के जो गंदे मसाइल है अभी आपको पेश करना स्टार्ट करूंगा, अभी आप फोन काट के भागोगे? नहीं मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक। अगर तू गैर मुकल्लिद सवाल का जवाब दे भी देंगे तो भी तुम मानोगे नहीं ना? नहीं मैं मान रहा हूँ ना, मेरे सिंपल सिंपल जवाब दो, घुमा फिरा मत। अगर तू गैर मुकल्लिद है, हम गैर मुकल्लिद नहीं है, हम असहाबुल हदीस हैं। जो भी है तुम लोग नहीं, जो भी नहीं है असहाबुल हदीस है अहले सुन्नत वल जमात। जो भी है, जो भी है, अरे जो भी नहीं है मेरे भाई असहाबुल हदीस अहले सुन्नत वल जमात है। जो भी हो, अरे जो भी नहीं है मेरे भाई अहले हदीस है असहाबुल हदीस है अहले सुन्नत वल जमात है। अरे भाई तुम जो भी हो मुझे कुछ नहीं करना। तो जो भी हम नहीं है ना आप भाई अहले हदीस अहले सुन्नत वल जमात असहाबुल हदीस है, जवाब देगा क्यों पार्टी करेगा वो? तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? जो भी हो भाई, हम जो भी है नहीं है, हम अहले सुन्नत वल जमात असहाबुल हदीस है। अच्छा एक बात बता, जो भी का मतलब तूने कैसे लिया, क्या लिया, कहाँ से लिया भाई? जो भी का मतलब मैंने जो भी लिया तो मैं जो भी नहीं हूँ, मैं अहले सुन्नत वल जमात असहाबुल हदीस हूँ। जो मैं हूँ भाई मेरे को उस नाम से पुकारिए ना। अब आपका नाम भाई मोहम्मद फारूक रजा है, अब मैं आपको इलियास गुम्मन बुलाऊं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तू वहाबी है तो मैं तुझे वहाबी पुकार रहा हूँ ना, तेरी नस्बत तो मैं वहाबी नहीं हूँ ना। जब मैं कह रहा हूँ मैं अहले सुन्नत वल जमात असहाबुल हदीस हूँ, तो जबरदस्ती जो हम हैं वो आप मानने को तैयार नहीं हो, जो हम नहीं है वो जबरदस्ती हमें बनाने के लिए तैयार हो, ये कौन सी अकल की कमी है भाई? ये खत्म कर, अली जी की बात सुन, तुम लोग कुरान और हदीस से चलते हो बराबर? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया जानती है हमारा दावा है। हाँ हमारा दावा पूरी दुनिया जानती है, अतीउल्लाह अती रसूल बराबर।
अब दो हदीस है, एक हदीस है वो गिरोह अहले सुन्नत वल जमात होगा, दूसरी हदीस है तू जो बता रहा बताना चाहता है जो अहले हदीस फिर क्या है, अहले हदीस जमात है। अरे अहले सुन्नत ये अहले हदीस है ना, बता दिया ना पिराने पीर में भाई, पिराने पीर ने सारा कंफ्यूजन ही दूर कर दिया, जहाँ अहले सुन्नत आएगा वहाँ ऑटोमेटिक अहले हदीस होगा, जहाँ अहले हदीस होगा वहाँ ऑटोमेटिक भाई अहले सुन्नत होगा। वादी सुन ले, मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ, हदीस की। भाई हदीस और सुन्नत में कोई फर्क है आपके नजदीक, पहले आप ये बताइए। मैं आप हदीस और सुन्नत को एक ही मानते हैं या दोनों को अलग अलग मानते हैं, पहले इतना बताइए। पहले अपना कीदा बताइए हदीस और सुन्नत के साथ। पहले मेरे सवाल का जवाब दे कि हदीस दो हदीस है, एक बोलता अहले सुन्नत है, एक हदीस अहले सुन्नत को मानते, बताइए जरा कौन सी हदीस में भाई अहले सुन्नत का भाई अल्फाज आया, बताइए जरा। मैं तूने तो अभी बोला मुझे, मैंने तो भाई आपकी पुरानी पीर की किताब उसका हवाला दिया ना कि अहले सुन्नत का नाम अहले हदीस है। सुन सुन, तू ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है? हाँ वो तो ऑटोमेटिक होती है ना, तो जब बैक में जाना और तूने तेरे मुंह से बोला था कि अहले हदीस अहले सुन्नत एक ही है, ये है वो है, तो ये तो मैंने बताया था ना, ये तो पुरानी पीर की आपको बात पेश की है ना, उनके नजदीक अहले हदीस अहले सुन्नत दोनों एक ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके नजदीक तो भाई सुन्नत हदीस में कोई फर्क नहीं है मेरे भाई, जहाँ सुन्नत होगी वहाँ हदीस होगी, जहाँ हदीस होगी वहाँ सुन्नत होगी। गौसे आजम की जो बुनियादी तालीम जो बता रहे हैं ना, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो मुझे बनाते थे उनके सारी बातें मानेगा कि एक ही बात मानेगा, वो बता। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, दीवार पे भाई चार बातें उतरी हुई हैं, उसमें दो बातें ठीक हैं, दो बातें गलत हैं, तो जो दो बातें सही हैं आप उसके ऊपर अमल करेंगे ना, अब जरूरी तो ही ना कि आप जो पढ़ रहे हैं सब पे अमल करें, जो बातें कुरान हदीस से साबित थी वो हम उसको मानते हैं, जो बात के लोगों ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से मंसूब कर दी हम उसको नहीं मानते हैं। तो भाई मैं उसी किताब की बात कर रहा हूँ ना, उनकी तालीम। अरे बुनियाद तो तालीम में तो ये भी है कि तावीज पहनना जायज है और कव्वाली गाना जायज है, तो क्या उसको मान ले? क्यों नहीं मानेगा तू? क्योंकि साबित नहीं है ना कुरान हदीस से, तो अहले हदीस फिरका का अभी खुद ही कह रहे हो अहले हदीस कुरान हदीस को मानते हैं, अतीउल्लाह अती रसूल को मानते हैं, तो जो बात अतीउल्लाह अती रसूल से साबित होगी हम उसको मानेंगे ना। तो वही बात मैं वहाँ भी तुझे बोल रहा हूँ कि तू उनकी किताब का हवाला दे रहा है, तो उनकी किताब में जो लिखा है वो। अरे आप तो मेरे भाई पिरानी पीर की जो किताब है उन सारी बातों को एकदम आंखें बंद करके मानते हैं ना, तो इस चीज को क्यों नहीं मानते कि अहले सुन्नत ही अहले हदीस है? बुनियादी यूट्यूब पे जाना, मौलाना फारूक रिजवी का वीडियो उठाना, उसमें वो सुन ले। फारूक रिजवी लैपटॉप बाबा पता है क्या कहता है? वो कहता है आला हजरत का तर्जुमा पढ़ने से जो बच्चा होता है वो एकदम सीधे बाहर निकल आता है। पहले मेरी बात सुन, और कहता है कि इंसान ऑक्सीजन को लेता है और वो हाइड्रोजन को छोड़ता है, तो जाहिल को इतना नहीं पता है कि इंसान ऑक्सीजन लेता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और तुम उसकी बात मेरे को पेश कर रहे हो जिसको हदीस नहीं पढ़ना आता है, मन का शब्बा हब्बा पब्बा पता नहीं क्या क्या पढ़ता रहता है, आप उसकी बात पेश कर रहे हो, तो कितना बड़ा जाहिल है यार। भाई जाहिल मुकल्लिद होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, और जो इजमा को ना माने वो काफिर है। कौन सी हदीस में लिखा है? भाई इजमा का जो मुनकर होता है वो काफिर होता है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था ये सही हदीस है कि मेरी उम्मत कभी गुमराही पे जमा नहीं होगी, तो सारे अहले सुन्नत वल जमात के अहले इल्म का इस बात पे इजमा है कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, वो कुरान हदीस समझ नहीं सकता, इसलिए वो किसी इमाम की भाई वो तकलीफ करता है। इमाम आजम अबू हनीफा क्या थे? चाहते इंसान से हो चाहते हैं कौन थे? अरे इंसान से हैं? उन्होंने कुरान हदीस नहीं पढ़ी थी? हाँ तो कुरान हदीस पढ़ी थी ना, तो कुरान हदीस की बात बताएंगे तो मानेंगे, अपने घर की बात बताएंगे तो उनकी बात को छोड़ देंगे। वही बात बता रहा हूँ मैं कि जब उन्होंने खुद ही कहा था कि अगर मेरी कोई बात मेरा कोई फतवा मेरा कोई कयास मेरी कोई राय अगर कुरान हदीस से टकराए तो मेरी बात को दीवार पे मार देना और कुरान हदीस को थाम लेना, तो वो खुद भाई अहले हदीस थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह वो खुद हनफी नहीं थे, ये हनफियत तो उनके इंतकाल के बाद लोगों ने अपने आप से बना दी। हाँ लेकिन
ये अच्छे इंसान को फॉलो कर रहे हैं ना, या गलत इंसान को फॉलो कर रहे हैं? हाँ, तो अल्लाह के नबी से भी मतलब वो माशाल्लाह ऊपर अच्छे इंसान हो गए। आप अल्लाह के नबी को मानते हुए दीन को फॉलो करते? एक बात बता दीजिए, मतलब अल्लाह के नबी को छोड़ के, सहाबा को छोड़ के, ताबई को छोड़ के, आप सबे ताबई के इमाम अबू हनीफा ही भाई वो किले फॉलो करते हैं, और बाकी सबके सब लोग क्या बुरे थे क्या? इमाम बुखारी को क्यों मानता है? हम उनको नहीं मानते, उनकी जो जमा की हुई हदीस है जो सही सनद के साथ आती है अल्लाह के नबी की, हम उससे मानते हैं। नहीं, इमाम बुखारी रही मुल्ला का कोई बात गलत कहेंगे तो उनकी बात को हम नहीं मानेंगे, उनकी बात को भी दीवार पे मार देंगे। सनद जो इमाम बुखारी ने साबित की है, जो लाई है, वो सही है? हाँ, अस्मा है, रिजाल है, उन्होंने रावी के हाल बयान किए हैं। ये रावी जहाँ पैदा हुआ, इसका हाफिजा सही था, ये ईमानदार था, ये सादिक था, ये सिका था। कौन से इमाम बुखारी? अरे कुरान से साबित है मेरे भाई कि जब कोई फासिक तुम तक कोई खबर लेके आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। तो जो मुहद्दिसीन है उन्होंने आयतों के ऊपर अल्लाह के नबी की भाई वो जो हदीस है उनको जमा करके जो हदीस को जो जांचने के उसूल है उनको बनाया कि कौन सी हदीस सही है, सईफ है, मौजू है। हदीस को मानता है तू? है बुखारी शरीफ हर हदीस को मानता है? हाँ, हर हदीस को अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है कि वो अल्लाह के नबी की हदीस है। अच्छा, इसका क्या सबूत है भाई? अरे इजमा है बुखारी पे ना, बुखारी मुस्लिम पे इजमा है कि ये हदीस की सबसे सही किताब है, भाई कुरान के बाद जो सबसे टॉप की भाई जो बुक है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद है, और कुरान के बाद जो सबसे मतलब भाई वो मजबूत जो भाई वो किताब है वो भाई वो इमाम बुखारी रहिमुल्लाह की भाई वो सही बुखारी है। क्या दलील है इसकी? इजमा, इजमा, इजमा भी तो एक दलील है पागल आदमी। कहाँ से साबित है इजमा? अरे कुरान हदीस ये हमारे बेसिक उसूल है और इनसे ही साबित है इजमा कयास, तो ये चार हमारी दलीलें हो गई ना शरई। लेकिन कुरान हदीस इजमा कयास कहाँ मानते हो तुम लोग? माजल्ला, तौबा तौबा तौबा, जो इजमा को ना माने वो काफिर होता है, ये तो मैं पहले बोल चुका हूँ, और तुम कह रहे हो कि हम लोग इजमा नहीं मानते? हाँ, हम लोग भाई ये झूठा इजमा, डुप्लीकेट इजमा जो आप लोगों ने चाय के होटल पे बैठ के इजमा कर लिया है कि चारों इमाम बरक हैं, एक की तकलीफ करना वाजिब है, इसके ऊपर इजमा है, तो याला इजमा हम लोग नहीं मानते। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 रका तरावी पे इजमा कर लिया, इस झूठे इजमे को हम लोग नहीं मानते हैं, जो सही इजमा है उसको मानते हैं। झूठे इजमा मतलब झूठ कर सकता है हमेशा? अरे साहबी के नाम से मंसूब झूठ है मेरे भाई, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी कभी जिंदगी में 20 रका तरावी का हुक्म नहीं दिया, बल्कि मौत्ता इमाम मालिक की बिल्कुल सही हदीस है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उबे इब्ने काब और तमीम अत्तारी को 8 रका तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया। चल 8 पढ़ या 20 पढ़, चल ठीक है 8 पकड़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन जो हरम में तरावी होती है 20 रकत की होती है भाई? 20 नहीं होती है, 11 होती है। क्यों होती है वहाँ पे भाई? 20 रकात को 2 इमाम पढ़ाते हैं, एक इमाम पढ़ाता है 10 रकात, फिर वो अपनी एक रकात पढ़ लेता है, उसकी हो जाती है 11 रकात, फिर दूसरा इमाम पढ़ाता है 10 रकात, वो अपनी एक अलग पढ़ लेता है, उसकी हो जाती है 11 रकात। तो 20 रकात नमाज को 2 इमाम पढ़ाते हैं, और आखिरी अशरे में 33 रकातें होती हैं। इंडिया की मस्जिद में क्यों नहीं होती हैं 33 रकातें? आखिरी के 10 दिन में 33 रकातें क्यों नहीं होती इंडिया की मस्जिद में? मैं आखिरी की बात, और हरम शरीफ में जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सीने पे हाथ बांधते हैं, रफा दैन करते हैं, आमीन जोर से बोलते हैं, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हैं, इमाम के साथ दुआ नहीं करते हैं, तो वहाँ की सारी चीजें आप अप्लाई कीजिए ना। खाली मतलब भाई बड़ी बड़ी आंखों से 20 रकात तरावी दिखती है, बाकी चीजें क्या अंधे हो जाते हो क्या? पानी पी ले मुझे भाई। अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस है ये, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबित कर दिया कुरान से, हदीस से, इजमा से, कयास से, ठीक है। मैं बोलूं अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मा आना अलैहि व असाबी अल्यौम, यानी कि आज के दिन जिस तरीके पे मैं और मेरे सहाबा है उस तरीके पे जो चलेगा वो अहले सुन्नत वल जमात होगा, वो जो होगा वो कामयाब होने वाला गिरोह होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत को फॉलो करने वाले हम असली अहले सुन्नत वल जमात हैं,
और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने साफ साफ कह दिया कि अहले सुन्नत का नाम ही अहले हदीस है, तो अहले हदीस अहले सुन्नत दोनों एक हो गए। अब आप कयामत तक साबित भाई ये नहीं कर सकते कि अहले सुन्नत अलग है अहले हदीस अलग है, ठीक है। भाई सलाम अलैका जाहिल बिदती सलाम अलैका सुन्नी लहाबी सलाम अलैका। ये है मोहम्मद फारूक रजा, इनका नंबर है 9664795390। ये आए थे अहले सुन्नत और अहले हदीस को अलग अलग साबित करने और खुद ही घूम गए।